हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 2 बजे शुरू, दिन की 2 बजे से शुरू। और अभी मैं आ रखी हूँ गोठा, वो है हमारी बछड़ी। वो देखिए, हमारी बछड़ी है, कितनी प्यारी सी है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। और मेरी नानी का घर मेरे ससुराल से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी जा रही हूँ मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। यहीं पे है, पास में ही है, आस पास है, दिखाई देता है, तो उतना दूर नहीं है। 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का ही होगा। और अभी मैं आ रही हूँ गोठा, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ मैं। तो पहले मैं अभी गोठा रखी हूँ, थोड़ा सा मैं निकालूंगी गाय को, और उसके बाद जाऊंगी मैं नानी के घर। और ये देखिए, नानी के लिए थोड़ा सा चावल ले जा रही मैं। तो चलो पहले मैं चलती हूँ, पहले मैं निकालती हूँ गाय को, तो उसके बाद मैं चलती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने निकाल दिया गाय और अब जा रही हूँ मैं नानी के घर। तो चलो चलती हूँ मैं नानी के घर। तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे का रास्ता। तो यहाँ से जाऊँगी मैं, यहाँ से, और ये नहर है, आपको दिख रही होगी, पेड़ से नहीं दिखाई दे रही। और पहले जाऊँगी मैं यहाँ से, तो यहाँ से जाऊँगी, यहाँ पे गिरने की बहुत ज़्यादा डर है। एक दिन मैं यहाँ पे गिरी थी, बहुत भयंकर गिरी थी मैं यहाँ पे। तो भगवान का ये है कि मैं नीचे नहीं गिरी, वरना मैं खाई में चली जाती। तो मैं एक दिन यहाँ पे गिरी थी, ज़बरदस्त गिरी थी मैं एक दिन यहाँ पे। तो चलो चलती हूँ मैं। ए पापा, ये देखिए, ये लगा रखा हमारे यहाँ पे घास, मतलब इसके लिए कहते हैं गढ़वाली में वलंडा, वलंडा लगा रखा हमारा पेड़ पे। और वहाँ से लाया मैंने काट के खेत से, तो यहाँ पे लगाया हमने। ये है कद्दू, कद्दू का लगला है ये, इस पे कद्दू होते हैं। इसके कद्दू भी हमने बहुत सारे खाए थे, तो कद्दू होते हैं बहुत बढ़िया वाला, बहुत टेस्टी होता वो। तो ये देखिए, ये जा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड, ये आ गई मैं यहाँ नहर पे, नहरी नहर जाना है, नानी का घर आ जाएगा। और ये है भीमल का पेड़, इसके भीमल कहते हैं गढ़वाली में, ये भीमल कहते हैं इसे। ये देखिए, उस पर दाने भी हो रखे, दिखाई नहीं दे रहा, पर ये भीमल के पेड़ है। इससे पहले ज़माने के लोग इससे शैम्पू बनाते थे बालों को, और बालों को इसी से धोते थे। तो आपने सुना होगा, मैंने तो सुना अपनी दादी से, तब बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसकी पत्तियाँ होती, और ये शैम्पू की तरह होता है। अगर इसे वो करें ना, क्या बोलते उसका नाम, कूटें, तो इसे शैम्पू की तरह होता है ये। तो इसे पहले के लोग बालों पे लगाते थे, मेरी दादी बोल रही थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। इससे बाल बहुत मुलायम होते थे, बस ये वाले पत्ते ये। और तो फ्रेंड, ये पड़ा रास्ते में मोला, मोल बोलते इसके गढ़वाली में मोला। ये पकते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इससे ये पकते हैं ना जब, तो काले काले होते हैं, बहुत काले होते हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये इसका पेड़ है। ऐसे ऐसे रास्ते में आपको दिखाती रहूँगी नई नई चीज़ें। ये देखिए, ये है, और अभी ये पके नहीं, अभी कच्चे हैं, पूरा पेड़ पे इसमें ना ये कच्चे हैं, तो ये ऐसे ऐसे गिरते हैं नीचे, और ज़्यादा ये नीचे ही पकते हैं। ये देखिए, मैंने फेंक दिए हैं, पक जाएंगे अब, तो तब खाऊंगी मैं। तो देखिए, नहर इतनी लंबी नहर है, और थक लग गई बहुत, अभी पहुंची भी नहीं मैं, बस पहुंचने ही वाली हूँ। थोड़ा सा ही रह रखा है। तो फ्रेंड, उस पेड़ पे देख रहे हो आप, पीले पीले से लटके हुए है जो, वो तो मुझे भी नहीं पता वो क्या है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितने प्यारा है, मैं आज ही देख रही हूँ उसे। ये देखो, मटर मटर के जैसे, मटर के दाने के जैसे, देखिए ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा, देख रहे हो आप,
ये देखिए पेड़ पे लटका हुआ है वो पूरा, इतना प्यारा लग रहा, पर मुझे नाम भी नहीं इसका पता क्या है ये। तो मुझे थक लग गई है, मैं थोड़ा रुक गई नहर पे। मैंने सोचा इतना चलते चलते मैं उफ कंधा कंधा वो हो गए दर्द सीधे, तो है तो थोड़ी से है पर थक लगी जाती है ना। एक हाथ से मोबाइल पकड़ रही है तो थक तो लगेगी। तो ये रही नहर, ये जाना भी आगे ये उस तरह, बस इसी के पीछे है घर। तो चलो आप चलती हूँ मैं। मैंने आपको तीन चार चीज़ें दिखा दी है तो आप बताना आपको कैसी लगी। तो मैं पहुंच गई अपने नानी के घर, या यहाँ पे मेरे नानी का घर, यहीं पे मेरे नानी के घर है इसके पीछे। तो मैं पहुंच ही गई हूँ आप बस। और ये देखिए ये है वहाँ का गधेरा, इतना प्यारा है, आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे लोग रहते हैं, गांव है वहाँ पे भी रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। और ये देखिए ये हमारे लमगांव की रोड है, पाली तरफ आपको दिख रही होगी, तो लमगांव की रोड है। तो फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ नानी के घर से, अपने घर जा रही हूँ रास्ते पे, और आसमान बहुत तेज़ी से गरज रहा है। और मैंने सोचा कि क्या रहना यहाँ, मैं तो भीग जाऊँगी, और घर जाने का तब तो मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं आधे आधे 10 या 15 मिनट रुकी थी नानी के घर और आ गई। सोचा था कि 2-3 घंटे रहूँगी आराम से, पर नहीं, नहीं रह पाई। कैसे रहना, तब बारिश आने वाली है और इतनी तेज़ के तूफान चल रहा, क्या बताऊँ। अभी थोड़ा रुक गए, बहुत ज़्यादा थक लगे, इतनी भागी मैं, 2 मिनट में पहुँच गई मैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आसमान यहाँ कैसे हो रखा है। बारिश की बूंदें भी लग गई है, 2-3 बूंदें मेरे गाल पे टपक गई। तो आपने देख लिया आसमान कैसे हो रखा है, और बारिश होने वाली है, क्या पता मैं भीग जाऊँ। अभी आधे रास्ते पे हूँ, अभी मैं पहुँची नहीं घर पे। तो चलो घर पहुँच के मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ घर पे, और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़। रुकी हूँ मैं, थोड़ी सी ही बची हूँ वरना भीग जाती। तो फ्रेंड मैं पहुँच गई हूँ घर, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जो कि मैं थोड़ी सी 5-10 मिनट पहले नहीं आती तो मैं भीग जाती, वहीं भीग जाती मैं। और दिखाती हूँ आपको कि यहाँ कितनी बारिश हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, इतने मोटे मोटे दाने पड़ रहे सीधे। बहुत तेज की बारिश हो रही है, हमारा लोटा गिर गया वहाँ पे मेरे भाई की। ये देखिए इतने मोटे मोटे दाने पड़ रहे। और अगर मैं अभी रास्ते पे होती तो मैं तो पूरी की पूरी भीग जाती। पूरा चौक हमारा सफ़ेद हो गया है, ये देखिए पड़ रहे हैं, पूरा चौक हो गया सफ़ेद। ये देखिए बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, मैं बता नहीं सकती कितनी तेज़ की बारिश हो रही है। और इतनी बारिश मैंने कभी नहीं देखी, कभी नहीं, आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और देखिए इनके पाँव भी भीगने वाले, ये अंदर तक आ रहे सीधे, बाप रे। तो हमारी लकड़ी भी भीग गई आधा। तो मैं नीचे ही हूँ अभी, बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मैं ऊपर जाने के लिए है ही नहीं, कहाँ से जाना, बारिश में भीग जाऊँगी ऊपर जाते जाते। पहले तो बच के आई हूँ नाने के घर से कि बारिश ना लगे, पहले आ गई, और अब तो इतनी तेज़ की बारिश हो गई कि मैं ऊपर भी नहीं जा पा रही। मैं नीचे ही हूँ अपने यहाँ पे, नीचे मैं नीचे हूँ, ऊपर कैसे जाऊँगी। बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़, और
ससुर जी भी जा रखे खेत में, वो तो पूरे भीग गए होंगे। भीग गए क्या, यहाँ तो ऐसे ओले पड़ रहे कि बहुत तेज पड़ रहे हैं। पूरा चौक ऐसा हो गया है, सब तेज हो गया सीधे। और चलो तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।